देखो, मैंने अंदर भी स्पष्ट कर दिया कि हमारे स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है हिमाचल की। नंबर दो, जो डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, जो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है बोलने का। अपने पर यार, इस लोकतंत्र की इतनी बुरी धज्जियाँ उड़ा दी गई है पूरे हिमाचल में कि जैसे कि हम किसी के गुलाम हैं। यदि अगर एक विधायक की अगर सेफ नहीं है, उसका परिवार ही सेफ नहीं है, तो जनता कहाँ से सेफ होगी। तो ये सारी बातें हमने देखी। हमने देखा पिछले 15 महीनों में कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहे, इन्वेस्टरों को रोक दिया गया, जमीन की अलॉटमेंट नहीं हो रही, नए इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे। हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। हमारा आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि किसी भी वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है। तनख्वाह नहीं मिलेगी लोगों को, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, जो वायदे किए वो पूरे नहीं हो रहे। हमने हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम रखा जिसमें बड़ी अनाउंसमेंट ही हुई, एक भी अनाउंसमेंट पूरी नहीं की गई। एक आध बस चलाई, बाकी कोई अनाउंसमेंट पूरी नहीं की गई। और हर चीज़ के लिए ये कहा जाता था हमें कि पैसे नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई कार्य नहीं हुए। तो इस स्थिति में जो है इस पद पे रहना ठीक नहीं है। हम जवाबदेही है, लोगों ने, जनता ने हमें यहाँ भेजा है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। जब समाधान ही ना हो तो यहाँ पे बैठने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा कि एक MLA के इंस्टीट्यूट को किस तरह कमजोर किया गया, वो हमने अपनी आंखों से देखा। किस तरह अनइलेक्टेड बॉडीज को भेजा जाता है और जो मीटिंग्स करते हैं अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ, जिनका डिक्टेट चलता है, और एक MLO की कोई जहाँ पे एक एम्प्लॉय भी कदर नहीं करता, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए हमने जो है अपना निर्णय लिया और जो है हमने इस्तीफा दे दिया। असेंबली स्पीकर ने आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, आपको कोई नोटिस मिला है क्या आगे की कदम है? जी नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हमने अपने इच्छा से हमने जाकर के अपना इस्तीफा दे दिया कि जब हमारे काम नहीं होने, जब हम यहाँ पे सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं आ रहे, हम कि हमने तनख्वाह लेने आ रहे हैं यहाँ पे हमारे जनता का काम करने के लिए, जब काम नहीं हो रहे तो हमारे यहाँ बैठने का कोई चित्त नहीं है, तो इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। अब उनके पास है इस्तीफा, वो मंजूर करते हैं नहीं करते ये आने वाला समय बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kstreet।